اللهم صلى على محمد, آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله وصلاة وسلام على أهلها

की विलायत से मुतमस किया फलस वलायत के बाब में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये उसका दूसरा हिस्सा है पहले हिस्से में हमने वलायत ख़ल्क और विलात तदबीर के जो कि वलायत तकवीनी के जेल में है वो बयान किया आज गुफ्तगू को इस मरहले में मजीद आगे बढ़ा देते हैं विलायत का की जो दूसरी शाख हमने बयान की थी यानी बुनियादी तौर पर विलायत तकवीन और वलायत तश्री विलायत तकवीनी और विलायत तश्रई वलायत तकवीनी यानी कौन में विलायत कायनाती विलायत और तश्रई यानी कानूनी विलायत आ, जो कायनाती विलायत थी उसके जैल में हमने दो विलायतें बयान की जिसमें एक विलायत खलक़ थी और दूसरी विलायत तदबीर थी और इस दर्स में हम विलायत की जो दूसरी ब्रांच है और विलायत तश्री उस पर गुफ्तु करेंगे विलायत तश्रही यानी कि क्या यानी वही जिस अंदाज से हम कानून का तस्करा करते हैं यानी कि परवरदिगार आलम को हक़ है आइन और कानून साजी का हक सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है इसकी वजह क्या है अभी आपके सामने आ, मैंने पहले हिस्से में आ, एक तफसील से मिसाल देकर बयान की थी बिल्कुल उसी अंदाज से अगर देखा जाए कि अगर आपसे पूछेंगे विलायत तशरी का हक खुदा का क्यों है तो उसका जवाब बहुत ही सादा लेकिन बहुत गहरा है और वो है आगही आ आगही ही की वजह से खुदा की जात यकीनन हक़ रखती है कि वो कानून साजी करे इसी के जेल में हमें बहुत सारी कुरान मजीद में आयत हैं जो नज़र आती हैं और तबरुकन अगर हम देखें तो सूरह मुबारक आले इमरान की आयत नंबर पचासी के अंदर

फल मुकबला उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा हुआ और वो आख़िरत में खसारा पाने वालों में से होगा <coughs> अगरचि वक्त बहुत मुख्तर है आ, लेकिन क्या करूं? इस आयत में बहुत सारी ऐसी अशिया नजर आ रही है कि जिन पर मैं इशारा तो कम अज कम कर सकता हूँ अगरचे तफसील से बात करने का वक्त नहीं है ये जो देखते हैं बमई यब तागी चाहा। किसे चाह यानी कि जहां झुकाव हो जहां दिल किसी तरफ चला जाए गैर अलसलामीन इस्लाम के अलावा दीन जब हम कहते हैं कि इस्लाम के अलावा दीन तो आपके जहन में कोई और आयत आ जाती होगी कि दीन तो फकत इस्लाम ही है इस्लाम के अलावा कोई और दीन होता भी है क्या वाकई कोई दीन एग्जिस्ट करता है इस्लाम के अलावा तो आपके जहन में आयत भी आ गई कि दीन आइंद अल्लाह के नज़दीक दीन फकत इस्लाम है तो इसी आयत के अंदर जवाब भी पोषीदा है कि जो आप पूछ रहे थे क्या इस्लाम के अलावा भी कोई दीन है तो आयत ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक तो फकत इस्लाम है इसका मतलब अल्लाह के नज़दीक दीन फ़कत इस्लाम है लेकिन अगर मखलूक़ात की तरफ से देखा जाए तो मखलूक़ात ने अपने कई दीन बना लिए जब मखलूक ने अपने कई दिन बना लिए यानी इनका रुझान इनका मैलान उस दिन की तरफ है जो कि खुदा के मुकाबले पर है तो ये लकुम दीन दिन वाली दीन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है मेरे लिए मेरा दीन खुदा से पूछो कि कितने दीन है वो तो कहेगा एक ही दीन है और मखलूक से पूछो कितने दिन है तो अजब नहीं कि जितनी मखलूक हो उतने ही दिन हो हर किसी नहीं क्यों इसलिए कि क्या तुमने ऐसे शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपनी हवा और हवस को ही खुदा बना लिया इला बना लिया तो उसके लिए फिर यकीनन उसकी हवा और हवस की तालीमत जो है वही उसका दीन है तो वामा यब तैयार दीन जो जिसने सलामती के अलावा के अलावा कोई और दीन चाहा तो उससे यू नहीं है कि कुछ अरसे के बाद उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा फ कि जिस पॉइंट पर डेविएशन हुआ है वहीं से आपसे कबूल नहीं किया जाएगा और यहां पर जो नफी की है ना कबूल करने की वो भी कल्ला या ला या कोई और इस तरह का जुमला कहकर नहीं हुई है लफ्जे न इस्तेमाल होकर यानी हो लन नफिये अबी के लिए इस्तेमाल होता है मतलब यूं कहा जा सकता है कि अभी तुमसे कबूल नहीं होगा लेकिन मुमकिन है बाद में कबूल कर लिया जाए आपने किसी को कोई शय पेश की है आपने कबूल नहीं की लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा के लिए मना कर दिया है आपने किसी से कहा कि आप चाय लीजिएगा आपने मना कर दिया नहीं तो जैसे आपने कहा नहीं तो आपका फिलहाल दिल नहीं चाह रहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिंदगी भर के लिए मना कर दिया तो बिल्कुल इसी तरीके से बम गैर इस्लामी इस्लाम दीनन फाला उससे कभी कभी भी कबूल नहीं होगा तुम अगर इस्लाम के मुकाबले पर किसी और दीन को चाहोगे वो तुमसे कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा और वह हुआ और वो शख्स जो जो ये चाह रहा होगा ना वो आखिरत में खसारा पाने वालों में होगा जो खुदा की तालीमत के मुकाबले पे अपनी तालीमात ले आए अपनी कयास ले आए अपनी राय दाखिल कर दे क्या उसकी वो राय काबिल कबूल होगी क्या मुमकिन है कि उससे वो राय उसकी राय जो है वो गालिब आ जाए उसका अपना कयास क्या किसी आयत को रद्द कर सकता है क्या ये मुमकिन है, है मुमकिन है बस इसी तरीके से इसी विलायत ए के देर के अंदर सूरह अहزاب की आयत नंबर 36 का बयान व मकान लि मुमिनीन व ला मुमिनीत इजा तदल्लाहु व रसूलहू अमरन ان یکून लहूमल खैर मिन और ना किसी ईमानदार मर्द को ये मुनासिब है और ना ही किसी ईमानदार औरत को देखिए कुरान करीम ने बहुत से मकाम के ऊपर या अयोह आमनु कहकर मुखातिब हुआ है मखलूक से और जब कभी भी हम आमनु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर यकीनन मोमिन मर्द और ममिन औरतें दोनों शामिल हैं लेकिन अगर कुछ मकामा के ऊपर मोमिन और मोमिनात का तस्करा जुदा जुदा किया जाए वे अब यहां पर मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को अलहदा अलहदा से एड्रेस किया गया इसका मतलब कि जो शय बयान करने जा रहे हैं वो इतनी इतनी जरूरी है कि उसमें किसी को भी इसना हासिल नहीं है और वो क्या शय है वो शय ये है कि अगर ना किसी ईमानदार मर्द को ये मुनासिब है और ना किसी ईमानदार औरत को ये, कि जब खुदा और उसका रसूल किसी काम का हुक्म दें तो उन्हें अपने इस काम करने ना करने का इख्तियार हो यानी कि जब परवर दिगार आलम या उसका रसूल हुक्म कर दे तो अब किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं है कि उस हुक्म को टाल दे या खत्म कर दे या उस हुक्म के मुकाबले पे कोई दूसरा हुक्म ले आए सुरह आयत नंबर छत्तीस एजाब जिसकी मजमू तौर पर सेवेंटी थ्री आयात है ये बहुत ही आ, छत्तीसवीं आयत है अगर देखा जाए तो अट्ठाइसवीं आयत से जो तस्करा शुरू हुआ है चौथे रुकू से उसमें सरासर तरबियत का नजर आ रहा है और अल्लाह तला जो है वो महातिन की गोया तरबियत फरमा रहा है उनको वो हमीदा और आ, अच्छे अखलाक की तालीमत देते हुए नजर आ रहा है और फिर कहता है कि इन आयात की जो तुम्हारे घरों में तिलावत होती है उसको तस्करा करती रहा करो उसी कंटिन्यूटी के अंदर अगर देखा जाए तो फिर ये यही आयत का बयान हो जाना कि देखो अब किसी मोमिन या मोमिना के लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह का अगर कोई हुक्म हो जाए तो उसके मुकाबले पर कोई हुक्म ले आए

वो लोगो जो ईमान लाए हो अब यकीन यहाँ पे कौन है ईमान लाने वाले ईमान लाने वाले मर्द ईमान लाने वाली औरतें दोनों शामिल हैं अति व अति रसूल अल्लाह की इताद करो उसके रसूल की करो इतात करोन और जो तुम में साहेब अमर है उसकी इतात करो बस अमूमन हमारे यहाँ आयत यहीं तक पढ़कर छोड़ दी जाती है लेकिन इसके बाद के टुकड़े के अंदर बयान हुआ फिन तनाज़ तुम पस अगर तुम में कोई झगड़ा हो जाए कोई तनाज़ हो जाए फी शैइन किसी बारे में फरुद्दूहु इलाल्लाही व रसूल उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो इन कुन तुम तुम इनू नबिल्लाही वल्यो मिलाखर अगर वाकई तुम अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखते हो इसलिए कि ऐसा ना हो कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई हुक्म कर दें तो तुम्हारे दिलों में कोई हर्ज हो कोई कसक हो अगर दिल में कोई कसक है अजीजो बहुत तवज्जो अगर दिल में कोई कसक है तो समझ जाना ईमान की कमजोरी है आखिरत पर ईमान नहीं है जो लोग इस दुनिया को हमेशा की जगह समझते हैं वो चाहते हैं कि जो मिलना है यही मिल जाए जो हक है वो भी मिल जाए और जो हक नहीं है वो भी मिल जाए लेकिन ये दुनिया जब हमेशा रहने वाली नहीं है तो जो शय आपके और मेरे पास है वो हमेशा हमारे पास कैसे रह सकती है हाँ ये दुनिया एक नेमत ज़रूर है इस दुनिया में जो आसाइशें या नेमतें या इनामात जो परवरदिगार आलम ने आपके और हमारे शामिल हाल किए हैं उसका एक मकसद ज़रूर है और वो मकसद ये है कि मैं और आप अपने कमाल की तरफ रुश्त करें अपने असल को बढ़ाएं, अपने कमाल को दर्क करें और उसे कस करें जहां पर परवरदिगार हमें देखना चाहता है वहां तक पहुंचने के लिए जो लवाजमात चाहिए परवरदिगार ने वो हमारे लिए मुहैया फरमाए हैं कि जिसके अंदर सबसे अहम तरीन जरूरत जो हमारे वजूद की है वो वही ज़रूरत हिदायत है जो परवरदिगार ने हमें जमीन पर शुरू करने से पहले अता की है जो पहला इंसान इस जमीन पर आया उसे हादी बनाकर उतारा और उसके बाद मखलूकत का सिलसिला शुरू हुआ ताकि मखलूक को यह कहने का मौका ना मिले कि हमारे लिए तो कोई हादी ना था अति व अति रसूल तो यहां पर ईमान को जोड़ दिया गया अल्लाह पर ईमान को जोड़ दिया गया आखिरत पर ईमान के साथ कि ये कंप्लीट पैकेज है नहीं कि अगर तुम रसूल अल्लाह का एहतराम कर रहे हो उनकी बात को सुन रहे हो उनके फैसले को तस्लीम कर रहे हो चाहे जिस शय के बारे में तनाज़ हुआ है वो शायद तुम्हें मिल जाए या चाहे वो शायद तुम्हें ना मिले दोनों सूरतों में तुम्हारा ईमान डबगमाना डगमगाना नहीं चाहिए अजय यहाँ तक की वो बातें थी जो कि आसान बातें थी और जिस तरह से मैं अक्सर अपने दुरुस्त में कहा करता हूँ कि ये तो वाजिब बयान था अब मुस्तबात का बयान होगा यकीन मुस्तबात का जब बयान होता है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आए तो मुझे दुआ दीजिएगा विलायत को एक और अंदाज से भी देखा जाता है उसको यूं कह सकते हैं कि विलायत की हकीकत को अगर तर्क करें तो खिलाफत और विलायत की हकीकत जहूर उलोहियत है और ये वजूद का असल और कमाल है यानी खिलाफत और विलायत की जो हकीकत है वो उलूयत का जहूर है और वजूद का असल और कमाल है वजूद का असल और कमाल जहूर उलूत है विलायत इसी उन्वान से किताब की रूह और उसका बातिन है एक एक जुमला सोने के हरूफ से लिखने के काबिल है विलायत किताब की रूह और उसका बातिन है और खुद किताब विलायत का जहूर है यानी जब विलायत जहूर करती है तो किताब की सूरत में जहूर करती है जहूर उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब तक उसका कोई बातिन ना हो यकीनन जिस शे पर ज़हूर का इतलाक है यकीनन बातिन का इतलाक भी उस लफ्ज पर होगा जहूर उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब तक उसका कोई बातिन ना हो तवज्जो रहे बहुत नाजुक नुकता है इस चीज को अगर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो विलायत का जाहिर किताब है और अगर उलट कर देखना चाहें तो किताब का बातिन विलायत है किताब का बातिन विलायत है और अगर अलग करके देखना चाहें दूसरे से देखना चाहें तो जो विलायत का जाहिर है वो किताब है इसीलिए कहा कि किताब विलायत का जहूर है और जब तक जहूर उस वक्त तक जाहिर नहीं होता जब तक कि उसका कोई बातिन ना हो बहुत इससे कबल के मैं आगे सबकत करूं एक सवाल पूछा गया कि निसा की आयत के अंदर यहाँ लफ्सर का बयान क्यों आया रुजू का बयान क्यों ना आया देखिए रुजू तो कर लिया गया है तभी तो इतात की है या यूह लजीनाल रसूल वाहन इनकी इतात तो हम वक्त हम वक्त आपके ऊपर जो है वो मौजूद है एक लम्हे के लिए भी हम इनकी इतात से निकलते नहीं है तनाजे के अंदर अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाना जो तुम्हारे दरमियान में तनाजा हो गया है यकीनन इस तनाजे को इस तनाजे के हल को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटाओ यानी उन्हीं के हुक्म असलन देखा जाए तो उन्हीं की इतात के जेल में तुम्हारे तनाजात हल होते हैं इसीलिए बीबी बीबीजा फरमाती हैं अगरचे बात कर रही हैं कि हमारी विलायत को अल्लाह ने उम्मत में इतिहाद के लिए रखा है यानी विलायत ही में इतिहाद है तफ्रका खत्म हो जाता है इतिहाद की वजह से तो अगर कहीं तफरका हो रहा हो तो उनको पलटना चाहिए दोबारा अतात की तरफ तो तफरका पलट खत्म हो जाएगा शहजादी जब मस्जिद नबवी में उस आलम में खुतबा दे रही थी ना कि जब खड़ा होना मुश्किल है वह जब दरवाजे गिर जाते हैं ना तो खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त आपने ये जुमला फरमाया था हमारी इतात को इख्लाफ से बचने के लिए उम्मत के इतिहाद के लिए हमारी इतिहाद हमारी इताथ, विलायत को लोगों पर वाजिब किया उनकी विलायत उनकी खुदा के मुकाबले में विलायत नहीं है उनकी विलायत असलन खुदा की विलायत है तो इसी विलायत के अंदर अमन है अमान है और इस विलायत से निकलते हैं तो फसाद के अलावा कुछ नहीं चुनाचित किताब और विलायत की बहस हो रही थी कि विलायत का ज़ाहिर किताब है और किताब का बातिन विलायत है इन मतलब को अगर दिक्कत के साथ और मज़ीद पढ़ना चाहें तो आयतुल्ला लोजमा इमाम खुमैनी रजवान तलाजमैन की किताब इमामत और इंसान कामिल में पढ़ सकते हैं यहीं से विलायत अलीलाम के बाद में भी एक नुक्ता मिलता है अब आपके वो कलिमात के जो आप इस अंदाज से फरमाते थे ना कि मैं अंबिया के साथ बातनी तौर पर और रसूल के साथ ज़ाहिरी तौर पर रहा हूँ तो ये किस अंदाज से बात करते थे माओखमैनी ने इसके ऊपर गुफ्तू की है लोगों ने तस्वुर कर लिया कि जैसे आ, वो इस तरह साथ होते थे कि जनाब कोई मुश्किल दरपेश आई और यहां पर उन्होंने उनको मदद के लिए पुकारा और बिल्कुल सुपरमैन की तरह कोई शख्स उड़ता आया और उनकी मदद करके चला गया ये सूफियों की जो मंजर कशी है जो उन्होंने इस अंदाज से की है लेकिन विलायत के उनवान से अगर आपकी बात की जाए कि आप विलायत मुतल कुलिया के हामिल थे और खुद चूंकि विलायत खिलाफत का बातिन है खिलाफत का जो आस, जो जाहिर तो किताब लेकिन जो उसका है वो खुद विलायत है विलायत खिलाफत का बातिन है तो इस वनवान से विलायत मुतल कुलिया ऐसी खिलाफत का बातिन है तो अब कोई शख्स अगर विलायत मुतल कुलिया का हामिल हो तो उस विलायत कुल्लिया की बिना पर आप तमाम नफूस और उनके अमाल के साथ रहेंगे यानी कि विलायत कुल्लिया ने जिसके लिए नस कर दी कि मेरे बाद ये है तो यकीन आपके कंधों पर जो, जो जिम्मेदारी है वो आदम से लेके खातम तक की अम्बिया की मेहनतों की जिम्मेदारी उनकी बका उनकी हिफाजत आपके कंधे पर है तो इन सबके जो हकूक हैं उनके तहफ की जिम्मेदारी किसके कंधे पर आती है इस से कि जो कि अब इस सिलसिले ये नबूत के जो यहाँ खत्म हो गया है इसके हकूक की मुहाफिजत कौन करेगा क्यामत तक के लिए तो यकीन आपके अवसिया के जरिए से ये सिलसिला जारी रहा तो आपके कंधे पर यह जिम्मेदारी आती है आप विलायत मुतल कुल्लिया के हामिल होने की हैसियत से आप फिर तमाम के अमाल के साथ रहेंगे कलिमाते मकनूना मरहूम फैज काशानी ने ये जुमला सफा नंबर 167 पे लिखा है कि अली वबाकुलर नबी के साथ पोशीदा तो हर एक के साथ है मेरे साथ वो वोहिर है यानी अली की विलायत अली की विलायत जो कि हर हर नबी के साथ है यानी कि क्या वही विलयत मुतल को लिया कि असलन परवरदिगार ने जो इस दीन को गलबा अता करना है तमाम अंबिया जो दीन लेकर आ रहे हैं दीन तो सब एक लेकर आए हैं इस दीन का गलबा होना है किसके जरिए से उसी की जरिए से के जिसके नस्ल का जो आखिरी है नस्ल अस्मत की बात कर रहा हूँ उसके जरिए से इस जमीन पर खुदा की वो विलायत मुतलका नाफिज हो जाएगी कि जैसा कि नफाज का हक है शेख सलमान कंदोजी बल्कि एक तवील रिवायत नक़ल फरमाते हैं और उसमें ये रिवायत रखते हैं किसो अब यहाँ पे कहा के मैं जब गया रात जो है मुझे जब लेके जाया गया तो वहां पर अम्बिया का अज्तमा हुआ आसमानों में और उनके ऊपर वही हुई के इनसे रसोलह से आ, सला, आ, इनको उनसे सवाल करो कि बे मजा आपको कैसे आपको किन शय पर या किस किन वजूहत पर किस वजह से आपको बास किया गया है नबुअत के ऊपर तो फकालु इन सब से सवाल करो या मोहम्मद इन सब लोगों से इन तमाम अम्बिया से सवाल करें आ, या रसोल्ला आपके इन सब को हमने क्यों मबूस फरमाया फालु उन तमाम लोगों ने जवाब दिया

और आपकी नबूत का इकरार लिया गया वयतिया और आपके वसी अली सलाम की विलायत का इकरार लिया गया ये नबील नाबीबत की दूसरी जल्द अब तो एक ही जल्द के अंदर मौजूद है उसमें उन्होंने ये रिवायत नकल की है तो यकीन आप पैगम्बर से जुदा नहीं है आप नफसे रसूल हैं यकीन पैगम्बर की नबूत नबूत का अहदा रसोल्ला पर आकर खत्म हो जाता है अब आपके बाद कोई नबी नहीं है लेकिन आपकी जो विलायत है ये मखलूक पर कायम है किसके जरिए से जो आपके बाद मनकुंत मौला हो फिय मौला हो उस मौलायत का ऐलान आपने जिसके बाद में किया यकी मौलिया वसलम के हो वही विलायत साबित है जो रसोल्ला की विलायत थी

फिर उसके बाद उन्होंने इस हदीस का बयान किया कि इस हदीस की जैल में भी अगर देखा जाए तो वो बात जो है वो भी लगता है कि जैसे ये हदीस जो है वो शरा है वो उस कौल की जो के ऊपर कहा है इसलिए अबिलात कद फतेह अच्छा यहाँ पर मखसूस विलायत अवसिया का तस्करा है वगरना विलायत तो परवरदिगार की अम्बिया को भी हासिल है लिया के ताके जान, लिया नबा कद के जान ले के का हो गया है और यहाँ से विलायत का बाप जो है सामानिया के, के अंदर ये नुमा, अनवार्नानिया के अंदर ये वायत जो है वो मौजूद है सैदुलजायरी ने ऐसे नकल किया है अब सवाल ये पैदा होता है कि इस विलायत से हमारा राबिता कैसा होना चाहिए अफकार और अफعال में अली अलैहिस्सलाम के पैरों यानी कि विलायत अली अली अलैहिस्सलाम तो से राबिता किस माना में होना चाहिए यानी अफकार और अफعال दोनों में अली अलैहिस्सलाम तो के पैरों होना चाहिए अली अलैहिस्सलाम तो और हमारे درمیان एक मजबूत बंधन होना चाहिए किसी नुक्ते के ऊपर भी अली से जुदा ना हो यह विलायत अली इब्ने मतक है इसीलिए कहा कि विलायत अली इब्ने अबी तालिब हसनी फमन دخل हसनी आमन मिन عذابि निशापुर में कही गई हदीस जो कि विलायत जहां पर कलमतु इलाहा इल्लल्लाह हसनी कहा गया था उसकी शरा के उन्वान से जब बयान किया गया तो उसका नतीजा इस अंदाज से निकला कि अली इब्ने एबी तालिब सलाम ही की विलायत है कि जो कि एक मजबूत किला है ये बेसिकली ये वही शरा है जो कि आठवें इमाम ने फरमाई थी कि वह वह वरुती है वह है, है और यहाँ पे किस अंदाज से क्या लतीफ़ नुकता बयान यहाँ पर मैं करना चाहूंगा जब आपने बयान फरमाया ना कि हिस्नी अल्लाह का मजबूत किला है, ला इला है, इला 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 है और अमन जो मेरे किले में दाखिल हो गया अमान पा गया यहाँ तक रिवायत ये हदीस खत्म हो जाती है उसके बाद आपने जो जुमला अर्शात फरमाया उसमें आप फरमाते हैं कि बब शर्त बरू तिहा इसकी कुछ शर इसकी बबे एक इसकी शर्त है और उस शर्त की कुछ शराय है कलिमा ला इलाहा की एक शर्त है और उस एक शर्त की कुछ शराय है वह अना शरु तिहा मैं उन शरायत में से एक शर्त हूँ समझो है भाई कहते कि भाई इस कलमे की कुछ शराय है मैं उन शरायत में से हूँ कहा नहीं उस कलमे की एक शर्त है और उस एक शर्त की कुछ शराय है और मैं उन शरायत में से हूँ कलम्ला की जो एक शर्त है वो मोहम्मद अल्लाह है और मोहम्मद अल्लाह की फिर कुछ शराय है जो के बारह हैं वो अनमशरूती है और मैं उन शरायत में से एक शराय आठवीं शर्त हूँ तो कबूल विलायत कलिम ला इला में दाखिले की शर्त है यानी कि किले में दाखिले की शर्त है इमामत खसूसियत के साथ बारह ही में क्यों मुनहसर है परवरदिगार आलम ने यहाँ पर इर्शाद फरमाया कि पाक और पाकिजा माहौल में यानी कि जो जो इमाम हो उसके लिए फिर कुछ खसूसियात चाहिए यकीन एक खास अंदाज से परवरिश हो माहौल मैसर हो कमाल बंदगी हो जिंदगी के हर शोबे में रहनुमा और रहबर हो इंतहाई दाना हो क़ोत फैसला का मालिक हो अंदाज फिक्र का हामिल हो राह खुदा में बेखौफ हो ये तमाम के तमाम औसाफ आपको कहाँ नजर आएंगी यकीन जिस शख्सियत में नजर आएंगी वही रसूल का जानशीन आ, करार पाएगा तो यहाँ पर आ, आपने बारा का के तस्करे से जो आ, तस्करा किया है अशर अमीर अहमद मुस्त अहमदल के अंदर बयान हुआ ली अशर खलीफा हतोम असना अशर अमीरन यहाँ पर तमाम रिवायात के अंदर बारा आ, अमीर बारा खलफा का तस्करा मौजूद है बस देखना यह है कि वो बारह कौन से बारह हैं ये बारह का तस्करा फकत हमारे पास रवायात में नहीं बल्कि जो दीगर आसमानी कुतुब हैं उसमें भी ये तस्करा आया है मसलन जेनेसिस सेवनटीन चैप्टर की ट्वेल्थ वर्स के अंदर देखें जेम्स बाइबल के अंदर एंड एस फॉर इसमा

ब्लेसिंग उनकी उन, उनको बढ़ा देंगे उसके उसको वसत देंगे बारह तक पहुंचा देंगे बारह शहजादे उनको देंगे एंड उनको हम ग्रेट नेशन बनाएंगे कुन तुम खैर उम्मतिन उखरेजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ वतन्हौन अनिल मुनकर सूरह आले इमरान की क्या खूबसूरत हसीन ये हुस्ने इंतजाम है या हुस्ने इत्तेफाक़ आले की आयत 110 कोई अकीदा नहीं है लेकिन क्या करूं यहाँ पर चीजें बहुत सारी नजर आती हैं खैर उम्मत एक उम्मतिन 110 के अंदर ही खैर नजर आया 110 के अंदर ही खैर उम्मत नजर आया बहरहाली यहाँ तक के वक्त मेरे पास कम है मार्क की चैप्टर 11 के अंदर हमें नजर आता है ना सिर्फ 12 शहजादे बल्कि यहाँ पे कहते हैं एंड दे दैट वेंट बिफोर एंड दे दैट फॉलोड क्राइड सेइंग होसन्ना ब्लेस्ड इज ही दैट कम टू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ब्लेस्ड बी द किंगडम ऑफ आवर फादर डेविड दैट कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड इन हाईएस्ट वो लोग किस अंदाज से रोते पुकारते आएंगे एक नाम लेते हुए हुसन्ना, हुसन्ना, किसका नाम है उन पर खुदा करेगा आज मोमिन की पहचान है हुसैनियों की पहचान क्या है जुबान से क्या लब क्या हुसैन निकलता है बाइबल इसी तरह से बस ये मौजूद थोड़ा सा मुश्किल है मैं इनशा अगले हिस्से के अंदर इसको करूंगा यहाँ पर बाकायदा न सिर्फ बारह का तस्करा मिला बल्कि इमाम हुसैन असलातम का इसमें ग्रामी भी हमें बाइबल के अंदर के उन्मान से नजर आया ब्लेट बी द किंगडम ऑफ आवर फादर डेविड इन देश आलम से दुआ है कि हमें इमाम की शिफात आ, दूसरे हिस्से का अख्तितम होता है इनशाला तीसरे हिस्से में बाकी मानदा मौजूद को आपके सामने पेश करेंगे और आपके सवाल के जवाब भी देंगे वालेक वरह वह